Okay, so good evening everyone. So today is the second class for CB1. We started with chapter 9, that is accounting part, and it comprises 40% of your curriculum. Okay, so I hope aapne ghar mein padha hoga whatever we had done in the last session. In the last session we did what is accounting, right? What is transaction events, then accounting mein apan kya kya banate hain, and what are the various stakeholders, why they need this accounting information. And we also did accounting karte waqt kafi sara accounting principles hum log follow karte hain, to kuch kuch principles humne last year karwaya tha, aaj hum log aage badhenge. So aap agar dekhenge, there was one periodicity concept jisme accounting period is of 12 months, matlab 12 12 mahina mein hum log pl balance sheet banate hain. And uske baad humne money measurement dekha tha, jahan pe बिजनेस एक्टिविटीज विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी वही रिकॉर्ड होता था. सो काफी सारा लिमिटेशंस अकाउंटिंग का, जैसे ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मेजर एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो रिकॉर्ड नहीं होता है. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टैलेंट, स्किल विच द एम्प्लॉय पोजेसेस, वो भी हमारे लिए एक मेन एसेट हो गया, वो भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते. हालांकि ब्रांड नेम गुडविल का बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन मेथड्स है, राइट? सो फ्यू प्रेफर टू रिकॉर्ड दीज आइटम्स, फ्यू ट्राई टू नेग्लेक्ट दीज आइटम्स, राइट? So another accounting principle which we discussed last year was dual aspect concept, right? उसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे आज. So dual aspect was every transaction has two aspects. One is the receiving aspect, another one is, अच्छा हमने separate entity भी discuss किया था जिसमें owner और business are regarded as two distinct legal entities for the purpose of accounting. However, with respect to income tax, only company is regarded as separate. इसका मतलब proprietorship business का tax proprietor खुद देता है. So dual aspect concept हमने last day किया था, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे. Every transaction has two aspects. One is the receiving aspect, another one is the giving aspect, right? So receiving aspect means resource, and the giving aspect means who has given that. So we developed one equation that is known as accounting equation, right? हमने एक accounting equation develop किया जहाँ पे asset equals to capital plus liability, right? So we started owner invested cash. So business mein cash aaya hai and the owner has invested. So capital is 1 lakh. Then we had taken a bank loan. Cash is 150. Capital is 1 lakh and bank loan is 50,000. So isi se hum log aaj aage badhenge. आइए, अरे स्टूडेंट लोग अभी भी आएगा तो फिर क्लास कैसे करेंगे? सो करेंटली जो हमारा इक्वेशन था दैट वाज कैश 1,50,000 इक्वल्स टू कैपिटल 1 लाख प्लस बैंक लोन. राइट, चलिए सो नंबर थ्री, राइट? सो प्लीज टेल मी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा. ये हमारा इक्वेशन था लास्ट डे वाला, प्लीज पार्टिसिपेट. सर कैश 20,000 रुपीज 1,50,000 से ऐड हो जाएगा. कम हो जाएगा, ऐड क्यों होगा? हाँ माइनस हो जाएगा. नाउ यूजुअली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. हर एक अगर आप देखेंगे ना,
हर एक रिसोर्स के पीछे, राइट? हर एक रिसोर्स के पीछे एक सोर्स होता है, राइट? आप देख सकते हैं आराम से, कैश इज द रिसोर्स एंड उसका सोर्स था कैपिटल एंड बैंक लोन, राइट? सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? और एवरी रिसोर्स देयर इज अ सोर्स, राइट? हर एक रिसोर्स के पीछे में एक सोर्स है, बट यहां पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? कैश एक रिसोर्स है, बदले में कैश को यूज करके एक और रिसोर्स हमने खरीद लिया। कैपिटल इज 1 लाख, देन बैंक लोन इज 50,000। इज इट फाइन एवरीवन? इक्वेशन इज 1.5 लाख, 1.5 लाख पक्का। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आना कुछ बोलिए। यस विकास शर्मा बोलो। हाँ सर, वो ही बोल रहा था कि वो सही है। नहीं, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ऑन द अदर स्क्रीन, मैं जी सर, दूसरे स्क्रीन में हूं। आप लोग माइक ऑन करके नहीं बोलेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा स्क्रीन में क्या हो रहा है, राइट? आइए देन, परचेस गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट ₹40,000। ना यहाँ पे कैश एज इट इज है, कैश में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर ₹20,000 एज इट इज है। नाउ देयर इज वन मोर रिसोर्स विच आई एम गेटिंग, दैट इज इन्वेंट्री। इक्वल्स टू कैपिटल 1 लाख प्लस बैंक लोन 50 प्लस क्रेडिटर्स, जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं हम। सो कैश इज 130, फर्नीचर इज 20, इन्वेंट्री इज 40। सो टोटल अप्स टू 190 और इधर भी 190 हो गया। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता जा रहा है, राइट? मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता जा रहा है, राइट? क्रेडिटर्स को हमने कैश दे दिया। Now, यहां पे जो भी सोर्स है वो मेरा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी चुकाने के लिए हमको अपना रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। तो कैश मेरा कितना हो जाएगा बोलो? 1,15,000, वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड ये सब आएगा बेटा एग्जाम में। और वहां पे क्रेडिटर्स को भी 15,000 से रिड्यूस कर देंगे। फर्नीचर 20 एज इट इज, इन्वेंट्री 40K, कैपिटल इज 1 लाख, बैंक लोन 50K, क्रेडिटर्स 25K हो जाएगा। अगेन व्हाट इज हैपनिंग? आई एम यूजिंग वन रिसोर्स एंड आई एम गेटिंग अनदर रिसोर्स। इन्वेंट्री मेरा रिसोर्स था, उसको मैंने बेच दिया, बदले में मेरे को कैश मिल गया। सो व्हाट विल बी माय न्यू कैश? हेलो,
1,000 1 lakh 50 1,50,000 1 lakh 50 थाउजेंड ओके। फर्नीचर 20,000, नाउ इन्वेंट्री इज 20K। 20K नाउ यहां पे आप देखेंगे मेरा रिसोर्स आ रहा है 35 का, बदले में मैंने एक रिसोर्स दिया 20,000 का। आई एम गेटिंग वन रिसोर्स फॉर 30,000, 35,000 एंड आई एम गिविंग 20,000। सो डोंट यू थिंक कि मेरा रिसोर्स 15,000 से बढ़ रहा है? पहले यस सर। मैं लखपति था, अब मैं करोड़पति बन गया। मेरा रिसोर्स में बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ोतरी जिसको अपन इंक्रीमेंट बोलते हैं, इंक्रीज इन रिसोर्सेस। अच्छा, आप लखपति थे, अब आप करोड़पति बन गए, आप लखपति थे, आप करोड़पति बन गए। चोरी किया हुआ चोर है ये, चोर है। नहीं बेटा, मेहनत से मजदूरी से कमाने वाला इंसान हूं मैं, राइट? मैंने चोरी नहीं किया, मैंने कमाया है, हमने कमाई है, प्रॉफिट है हमारा 15,000 का। अच्छा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्रेडिटर को दे देंगे क्योंकि क्रेडिटर से खरीदा था माल। ना 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 ना। अच्छा एक काम करो, जिसको जिससे लोन लिया था उसको दे दो। ना 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 ना, वो तो उसको खाली इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रॉफिट का हकदार कौन हुआ? ओनर। ओनर को ऑलरेडी 1 लाख रुपए देना है, सो अब कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख। 15,000 इज इट फाइन? तो जो लोग को भी अकाउंटिंग का बेस नहीं है वो लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग होता कैसे है। सर, शुडन्ट द कैश इंक्रीज बाय 35,000? क्या बोल रही हो? सर, यू सेड दैट कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000 इन कैश, सो कैश शुड इंक्रीज राइट बाय 35,000? हाँ, आई हैव इंक्रीज ना कैश। ओ ओके ओके नाउ देखिए, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखिए। हमारा कैश आया है, इनफ्लो ऑफ कैश है 35,000 का, और बदले में हमने 20,000 का गुड्स दे दिया। सो नाउ हियर यू कैन सी दैट देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेंट इन रिसोर्स, वन रिसोर्स एंड डिक्रीज इन अनदर रिसोर्स। तो मेरा कैश बढ़ गया 35,000 से 1,15,000 + 35। फर्नीचर में देर इज नो चेंज। इन्वेंट्री रिसोर्स मेरा गिर गया 20,000 से, तो द न्यू इन्वेंट्री इज 20। नाउ पहले मैं लखपति था, मैं करोड़पति बन गया। अर्लियर माई रिसोर्स वॉज 20,000, नाउ आई हैव सोल्ड इट फॉर 35। सो डोंट यू थिंक कि मेरा रिसोर्स बढ़ा है? तो अगर मेरा रिसोर्स बढ़ेगा तो मेरे लिए कमाई है ना। आपके जेब में पैसा है, कहां से आया? सर आपने कमाया है, सर आपने कमाया है, आपको सैलरी मिली है, राइट? सो उसका हकदार कौन है? क्रेडिटर तो होगा नहीं, उससे तो माल खरीदा उसको पैसे दे दिए, खत्म बात। इन लोन को अपने इंटरेस्ट देते हैं, सो प्रॉफिट का हकदार ओनर है, तो ओनर को ऑलरेडी 1 लाख रुपया का उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, प्लस उसको प्रॉफिट 15,000 भी देंगे क्योंकि बिजनेस उसी का है, सो प्रॉफिट उसी को जाएगा। अब टोटल करके देखो, 1,50,000 + 20,000 + 20,000 190, और इधर में भी 115 + 50 + 25 190, 190 190 टोटल मैच हो गया। पढ़ू आगे? हाँ यस सर। सैलरी 10,000। अगेन व्हाट इज हैपनिंग? कैश कम हो जाएगा कितने रुपए से? 10,000 से, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आएगा, इन्वेंटरी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना प्रॉफिट का हकदार कौन था? ओनर। ओनर। तो अब अगर खर्चा हुआ है तो वो बियर कौन करेगा? तो ओनर। ओनर। ओनर का कैपिटल अब कितना हो जाएगा बेटा? 1,05,000। वेरी गुड।
समझ गया ना? है ना? और डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले समझो। मैंने यहां पे फर्नीचर खरीदा 20,000 का, ये फर्नीचर को यूज करने के लिए खरीदा ना। एक्सपेंस का मीनिंग होता है बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। इस एसेट को आप कितना साल यूज करेंगे? इसका लाइफ अगर 5 साल है तो 5 साल लाइफ ऑफ फर्नीचर 5 ईयर्स का मतलब क्या है? इस एसेट से मैं 5 साल इस्तेमाल करके अपना पेट पलाऊंगा। 5 साल लाइफ स्टॉक जो ग्वाला होता है, जो मिल्कमैन होता है, उसके लिए लाइफ स्टॉक एसेट है। जो गाड़ी चलाता है भाड़े में, उसके लिए कार एसेट है, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट। राइट, जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बिकॉज उसी से वो प्रोडक्शन कर पाएगा। डिलीवरी वालों के लिए मोटरसाइकिल एसेट है। तो यहां पे फर्नीचर एक एसेट है। इस एसेट को यूज करके मैं 5 साल कमाऊंगा। तो एक्सपेंस का मीनिंग क्या? बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एसेट को अगर मैं पहला साल यूज करूंगा तो कितना बेनिफिट डिराइव करूंगा? 40, सॉरी 4,000। अगला साल फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4। इसी एक्सपेंस को अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं प्यार से। यही हमारे लिए डेप्रिसिएशन है। अच्छा, एसेट का क्या मतलब होता है? बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड। बेनिफिट येट टू बी डिराइव्ड। 20,000 में अगर 4,000 का बेनिफिट डिराइव कर ले तो आने वाले सालों में कितना बेनिफिट डिराइव होगा? 16, 12, 8, 4, 0 बेनिफिट डिराइव्ड। बोलिए। इज इट फाइन? यस सर। यस तो सर, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस। हाँ बोलो बेटा। 16,000 कैसे आया? 20,000 का फर्नीचर तो 4,000 बेनिफिट डिराइव कर लेता। हाउ मच बेनिफिट इज येट टू बी डिराइव? ओ अच्छा वैसे राइट। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? H140
और नीचे 16 के, क्योंकि 20,000 में 4,000 का बेनिफिट डिराइव कर लिया है। हाँ इन्वेंट्री एज इट इज 20K, आप बताना डेप्रिसिएशन खर्चा है। यस सर। तो प्रॉफिट कौन ले गया? ओनर। तो खर्चा कौन बियर करेगा? ओनर। वेरी गुड। मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। बैंक लोन 50, नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन माय फाइनेंशियल पोजीशन इज चेंजिंग। हर ट्रांजैक्शन के बाद में मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता जा रहा है। 140 प्लस 16 प्लस 20 That comes to 176, और इधर में भी 176 आ गया। Is it fine, everyone? Yes, sir. बस खाली एक और कराता हूँ। सर सर और जो बोले थे कि एसेट तो कैश भी एसेट है, वो क्या बेनिफिट एट टू डिराइव होगा? नहीं, कैश आपका लिक्विड रिसोर्सेज है। अच्छा, कैश को जब आप खर्चा करते तब आपको बेनिफिट डिराइव होता है। यू यूज दैट रिसोर्स। कैश इज नॉट एक्सपेंस, कैश इज एन एसेट। जैसे फर्नीचर एसेट होता है, जब आप उसको यूज करेंगे आप बेनिफिट डिराइव करते हो, वैसे कैश जब आप खर्चा करेंगे तो आप बेनिफिट डिराइव करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सैलरी पेमेंट किया, तो आई हैव यूज्ड कैश टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। गॉट माय पॉइंट? यस सर। बोलो। डेप्रिसिएशन का मतलब कैपिटल पे कैसे आया, वो एक बार रिपीट करेंगे? मेरा कनेक्शन टूट गया था। डेप्रिसिएशन भी खर्चा होता है बेटा। देखो एक्सपेंस लिखा है ना मैंने, बेनिफिट डिराइव्ड। जब प्रॉफिट ओनर लेके जाता है तो हाँ, अगर हम लोग जब पीएल अकाउंट बनाते हैं, पीएल बैलेंस शीट, तब डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट एक तो एसेट पे आता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, दूसरा डेप्रिसिएशन को कैशलेस एक्सपेंस बोलते हैं, तो उसका इंपैक्ट आता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट लॉस को डायरेक्टली कैपिटल में प्लस माइनस कर रहा हूँ, मैं अलग से पीएनएल नहीं बना रहा यहाँ पे। अच्छा, तो वो समझ गया। हाँ, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप हुआ, ये ऐसे ही डेवलप हुआ है, राइट? ठीक है ना, समझ में आया सबको? Is it fine with all of you? Yes, sir. अपन अभी dual aspect concept में accounting equation develop किया, accounting का जन्म करवा रहे हैं। तो यहाँ पे asset equals to capital plus liability. So after every transaction you will find that these figures are changing, but both side will be equal. So right now जो भी हमारा profit हो रहा है, जो भी हमारा खर्चा है, वो directly हम capital को plus minus कर रहे हैं। But real life में ऐसा तो possible नहीं है। हम कस्टमर से डील कर रहे हैं, उसको बोलते हैं भैया रुको, पहले मैं अपना प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करता हूं। एंड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट, बिकॉज यहां तो साफ समझ में आ रहा है 20,000 का माल मैंने 35 में बेचा। अब हजारों लोगों से खरीदेंगे, हजारों लोगों को बेचेंगे, कौन सा माल किस दाम में आया आपको मुंह जवानी याद नहीं रहेगा। तो इन रियल लाइफ ये प्रॉफिट हर ट्रांजैक्शन के बाद निकालना पॉसिबल नहीं है, बट एज फार एज डील एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, the transaction of the volume of the transaction is low, so in that case you can calculate profit after every transaction. तो इसलिए हम लोग directly उसमें capital में plus minus कर रहे हैं।
एनी मोर डाउट? नाउ वी हैव रीपेड बैंक लोन, सो अगेन द कैश रिसोर्स विल कम डाउन टू 90,000. फर्नीचर इज 16K, इन्वेंटरी इज 20, बैंक लोन जीरो हो गया, क्रेडिटर्स 25K. तो नाउ यू कैन सी 90 प्लस 20 प्लस 16 126 एंड इधर भी 126 आ गया. ठीक है, ये 40 मार्क्स बेटा जाना नहीं चाहिए हाथ से, भर के देगा एमसीक्यू, आपको तीन ट्रांजैक्शन दे देगा, बोलेगा अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ, तो प्लस माइनस करके फाइनल ये स्टेप बताना है. और आप देखे होंगे हर एक ट्रांजैक्शन में एक गिविंग एस्पेक्ट हो रहा है, एक रिसीविंग एस्पेक्ट हो रहा है, उसी को जब अपन रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट क्रेडिट बोल के रिकॉर्ड करते हैं. पर आजकल इतना सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गया है, रिकॉर्डिंग पार्ट आपको करना ही नहीं है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है, आपको बस खाली पीएल बैलेंस शीट भी बना के देता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज, राइट? आपको टर्मिनोलॉजी समझना और उसका एनालिसिस करने का तरीका मालूम होना चाहिए. वंस यू रिकॉर्ड द एंटायर पीएल बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली गेट्स प्रिपेयर्ड, बट आपके एग्जाम में टेस्ट करेगा आपको, नो प्रॉब्लम, वी विल हेल्प यू आउट. इज इट ओके एवरीवन? हाँ सर, यहाँ पे हमको हर ट्रांजेक्शन के बाद में प्रॉफिट निकालना पॉसिबल लग रहा है, बट अगर मैं 1,000 लोगों से खरीदूंगा, 1,000 लोगों को बेचूंगा, दुकान पे भीड़ रहेगा, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कौन सा माल किसको बेचा, वो उसका दाम क्या था, कितने में, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वहां पे हम लोग इस डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को और प्यूरिफाई करते हैं, एक्सपेंस इनकम को अलग रिकॉर्ड करते हैं, उसको कैपिटल में एडजस्ट नहीं करते हैं, एंड फिर एक्सपेंस इनकम से प्रॉफिट आता है, वो ओवरऑल प्रॉफिट को फिर अपन कैपिटल में एडजस्ट करते हैं. आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसमें और कोई समझाने वाला कोई बात नहीं है. कैन वी मूव अहेड? यस सर. पक्का? चलिए, अभी जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, राइट, उसमें हम लोग का चैप्टर नंबर 4 से लेके 8 तक कवर अप किया जाएगा, और यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 9 से लेके 15 तक कवर अप करवा रहा हूँ, और फिर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 भी मैं ही कराऊंगा. तो ये जो मैं करवा रहा हूँ, ये अपने को लगेगा 1.5-2 महीना करीबन कंप्लीट करने में, राइट, उसके बाद फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू वगैरह. अभी भी मैं क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, बट फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग को बहुत सारा चीज आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड देगा, राइट, मिक्स एंड मैच करके भी देगा वो लोग. सो बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा कंप्लीट करें 25-30% सिलेबस, एंड देन वी विल बी एबल टू डू इट. ओके, चलिए, तो अनदर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट. सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच आई विल बी टेकिंग इज मैचिंग प्रिंसिपल. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, राइट, मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है, अपना अपना माइक ऑफ करके रखिए, जब बोलने का मौका आएगा तब बोलिए. ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी मैच्ड विद करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू, मतलब जो भी हमारा खर्चा है वो हमको रेवेन्यू के साथ मैच करके दिखाना है. तो सर अपन तो पीएल 1 साल का बना रहे, 12 महीने का, तो इस 12 महीना में हमने जो भी कमाया है उससे रिलेटेड खर्चा अपन को दिखाने का है. सिंपल सा फंडा समझ लो, इस 12 महीना में अपन जो भी कमाए उससे रिलेटेड खर्चा आएगा. क्लियर? आइए, तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे ही समझाऊंगा. बहुत बढ़िया एग्जांपल, आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा ये, और अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया, आपको कोई नहीं रोक सकता तकरीबन में 90 लाने से. हमारा टारगेट ही यही है, मिनिमम सबको 90 आना चाहिए. आइए एग्जाम्पल, परचेस्ड 1,000 पीसेस एट द रेट रुपीज 20 ईच फॉर रीसेल. गुड्स हमेशा रीसेल के लिए ही होता है, राइट.
sold 800 pieces at the rate rupees 50 each. ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द चलिए ठीक है। सबसे पहले अपन को रेवेन्यू देखने का है। रेवेन्यू का मतलब हो गया हमारा सेल्स, राइट। आप देख सकते हैं 800 पीस को अगर मैं 50 करके बेचूंगा तो 40,000 का हमारा रेवेन्यू आएगा। हाँ ना, यस सर अब इस रेवेन्यू से रिलेटेड खर्चा दिखाना है, लेस परचेज कॉस्ट। हम लोग कितना पीस का दिखाएंगे, हजार का? 50 नहीं, 800 परचेज कॉस्ट हम लोग हजार का, 1,000 पीस का दिखाएंगे कि 800 पीस का दिखाएंगे? 800 जितना बिका है उतने का ही दिखाना है। सर आपने बेचा है 800 पीस, यहाँ पे जो परचेज कॉस्ट आएगा वो 800 पीस का ही आएगा। इसको अपन बोलते सर हैं, हाँ एक हजार सेकेंड, पीस इसको अपन बोलते हैं परचेज एडजस्टेड पब्लिक कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ बोलो। लाइक मेरा पैसा तो 1,000 पीस खरीदने का लगा है, बेटा तो लगा तो बाकी का बहुत 200 क्यों चुका नहीं है। एक कंसिडर सेकेंड एक सेकेंड करेंगे? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तुमने 2 लाख का गाड़ी खरीदा है, ठीक है, सॉरी 2 करोड़ का गाड़ी खरीदा है, तो गाड़ी तुम आने वाला 5 साल तक चलाओगी, तो वो तुम्हारे लिए एक्सपेंस हुआ कि एसेट हुआ? ऐसे तो एसेट हुआ। और तुमने एक उबर बुक किया, उसमें तुम एक जगह से दूसरे जगह गई, उसका 300 रुपए भाड़ा दिए, एक्सपेंस क्यों? एसेट क्यों नहीं है वो? एक बार भाड़ा दे दी, जिंदगी भर बैठो उबर में, कि जितना बार बैठेंगे उतना बार भाड़ा देना पड़ेगा? लेकिन जितनी बार बैठेंगे उतनी बार भाड़ा देना अगर पड़ेगा, अपना गाड़ी हुआ तो मल्टीपल यूज कर सकता है। मल्टीपल इयर्स तक यूज करेंगे। हाँ रनिंग कॉस्ट देना पड़ेगा हर बार, बट गाड़ी का कॉस्ट तो बार बार नहीं लगेगा ना। तो जरूरी नहीं, आप कोई भी चीज अगर खरीद लेते तो उसको खर्चा दिखाना है। आज जो बच गया 200, इसे तुम कब कमाओगी? उसको बेचेंगे। नेक्स्ट ईयर। तो हाँ तुम्हारे कौन सा साल का भूख मिटाएगा? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर तुमको कमा के देगा कि नहीं देगा ये? हाँ और कोई भी चीज जो तुमको कमा के देता है वो तुम्हारे लिए आज के लिए क्या है? ऐसे वेरी गुड।
जो चीज तुमको फ्यूचर में कमा, तो मैं बोल सकता हूं परचेस कॉस्ट में से आपको इन्वेंटरी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। पैसा आपने परचेस का दिया, लेकिन आपको रेवेन्यू को मैच करके दिखाना है, एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करके दिखाना है। इसीलिए लोग बोलते हैं इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है। पहले वो परचेस से लेस होगा, परचेस से लेस हुआ मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में है। जो लोग कॉमर्स बैच का स्टूडेंट है उन लोग को मालूम है, और जो लोग कॉमर्स का नहीं उन लोग को मालूम नहीं करना ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सिंपल फंडा है, जितना बेचा उतने का ही खर्चा दिखाएंगे। दूसरा नंबर रेंट, 1000 रुपया महीना है, कितने महीने का भाड़ा आएगा पीएल में? 12। क्यों? क्योंकि सर ये रेवेन्यू 12 महीने का है, ये रेवेन्यू 12 महीने का है, तो यहां पे खर्चा भी 12 महीने का आएगा। तो सर हिसाब से 1 month rent is outstanding। आया ना, 11,000 में प्लस 1,000, ठीक है। और ये तो तुमको मैंने अभी बता ही दिया, डेप्रिसिएशन 10,000 by 5 कितना आ रहा है? 5 साल से अपन 5 साल कमाएंगे, 1 साल नहीं, कितना साल कमाएंगे? 5 साल। तो इसका खर्चा को 5 साल तोड़ तोड़ के दिखाएंगे। तो यहां पे मैंने जो भी खर्चा दिखाया है उसको मैंने परफेक्टली परफेक्टली मैच करके दिखाया है। सर रेंट एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्यों आपने 12,000 लिया? देखो कुछ कुछ खर्चा ऐसा होता है ना जो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, जैसे परचेज वॉल्यूम से रिलेटेड है। जो खर्चा वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं, अपन क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट फॉर 12 मंथ्स। ये जो रेवेन्यू है ये कितने महीने का है? ये जो रेवेन्यू है कितने महीने का? 12 महीने का है, तो खर्चा भी 12 महीने का आएगा। अपन 11 महीने का दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, खर्चा आएगा पीएल में 12 महीने का, 1 month आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाएंगे। अपन खरीदे 1,000 पीस फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेवेन्यू से खाली 800 पीस लेस होगा। अपन एसेट को खरीदे 10,000 में, तो इसको बोलते हैं मैचिंग, दीज आर मैच। तो मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस मैच एक्सपेंसेस। ये मैं बोल सकता हूं प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस मैच एक्सपेंसेस। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? सारा खर्चा को मैच करके दिखाना है, सारा खर्चा को मैच करके दिखाना है, ठीक है। जो खर्चा सेल से रिलेटेड है उसको सेल्स वॉल्यूम के साथ मैच करना है, जिसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ नहीं है उसको टाइम के साथ मैच करना है। जैसे अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम से मैच हुआ है, ये टाइम से मैच हुआ है, और ये वाला टाइम से मैच हुआ है। बारह महीने का टाइम है तो खर्चा भी 12 महीने का आएगा। 5 साल का एसेट, 5 साल यूज करेंगे, लेकिन 12 महीना मतलब 1 साल प्रपोर्शनेट 2,000। इज इट फाइन एवरीवन? यस सर। पक्का? यस सर।
सो परचेस डायरेक्टली नहीं लेंगे अपन, परचेस को रेवेन्यू से लेस नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स परचेस से लेस होगा या एडजस्टेड परचेस लेस होगा। रेंट 11 महीने का नहीं लेंगे, 12 महीने का लेंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू 12 महीने का है तो खर्चा भी 12 महीने का है। फर्क नहीं पड़ता आपने पैसा दिया है नहीं दिया है, राइट। और इस एसेट से अपन 5 साल अपना पेट पालूंगा, 5 साल, 5 साल तो तोड़ तोड़ के हर साल दिखाना है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालते वक्त दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो अपन बोलते हैं। बट सर बाकी का पैसा गया कहाँ? बुक्स में कहीं ना कहीं तो मेंशन करेंगे। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, ये जो 200 पीस का, जो 200 पीस इंटू 20 रुपया, ये मेरा इन्वेंटरी बैलेंस शीट में आएगा, एसेट बैलेंस शीट में आता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक बोल के आएगा ना बाकी का 200 पीस। नोट लो, कर देता हूँ मैं नोट। इन्वेंटरी ऑब्लिक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कहा एसेट, ठीक है। अनदर नोट, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 1000। क्या होगा ये आपका लाइबिलिटी? नोट आएगा बैलेंस इन फर्नीचर अकाउंट, ये तो मैंने अभी बताया ना, अनएक्सपायर्ड बेनिफिट। क्या अनएक्सपायर्ड बेनिफिट कहां जाएगा ये बोलो? ये तो अभी बताया अनएक्सपायर्ड बेनिफिट बैलेंस शीट एसेट में। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। पर्चे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि 100% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन बच गया बोल के जितना बिका उतना ही आया। रेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग था बोल के एक महीना बढ़ा के दिखाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्नीचर थोड़ा थोड़ा, सैलरीज रेंट 25, डोंट फॉरगेट मैचिंग, कुछ भी करो मैचिंग को नहीं बोलने का। फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट शो डेप्रिसिएशन इन, जो खर्चा हर महीना देना पड़ता है बार बार करना पड़ता है उसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पूरा का पूरा पीएल में आता है बट मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा पीएल में आता। अगर मैचिंग प्रिंसिपल सबको समझ में आ गया हो तो मैं अगला पड़ाव में जाऊंगा। तो जो ड्यूअल वाला कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल वो और मैचिंग प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है? वो अलग है, वो रिकॉर्डिंग करते वक्त यूज हो रहा है, ये पीएल बनाते वक्त यूज हो रहा है। दिस इज इनिशियल रिकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सुनो मेरा बात। व्हाट आर वी डूइंग हियर? आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन वी आर चेंजिंग द रिसोर्सेज एंड द सोर्सेज, राइट? एंड जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो अपन डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट कर रहे हैं।
बट आउट हियर आई टोल्ड यू ना व्हेन द ट्रांजैक्शन विल बी हाई द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी हाई इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन तो उस केस में आपको पीएल बनाना पड़ेगा तो पीएल बनाने का ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अपन अच्छा सर ड्यूअल एसेट के लिए सर खाली देखने के लिए कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटी वो कैलकुलेट करने के लिए वो मतलब ड्यूअल एसेट यूज होता है क्योंकि पीएल बनाने के लिए मैचिंग प्रिंसिपल यूज होता है हाँ ड्यूअल एस्पेक्ट में आपको खाली फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में मालूम चलता क्योंकि वहां पे हर ट्रांजैक्शन के बाद आप प्रॉफिट निकालते हैं तो अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है आप 1000 लोगों से खरीद रहा है 1000 लोगों से बेच रहा है तो क्या आप प्रॉफिट हर ट्रांजैक्शन के बाद निकाल पाएगा टेल मी नो सर सो यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन So that case, you prepare PL. PL में आप expense income दिखाते हो अभी accounting में क्या होता है अपन हो सकता है आने वाला 3 साल का भाड़ा एक साथ दे दिया हो तो क्या वो खर्चा पूरा है मेरा नहीं 1 year expense, 2 year advance rent. मैंने एक asset खरीद लिया उसे मैं 5 साल कमाऊंगा तो क्या पूरा का पूरा खर्चा है नहीं सर तो उसीलिए ये concept बताया अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो पूरा पीएल में आएगा बट मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो थोड़ा थोड़ा पीएल में आएगा हाँ सर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज सिंपली बेसिक Dual aspect concept is simply basic of accounting. How transactions are recorded. What is resource? What is source? For every resource, there is a source. बोलने के बाद आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए ध्यान दीजिए इस पे Is it fine, everyone? Sir? हाँ बोलो अगर हम इस साल कुछ सेल करते हैं पर हमें पैसे अगले साल मिलेंगे तो वो अलग चीज होगा नहीं नहीं वो मैं आऊंगा उस पे एक होता अक्रूअल बेसिस एक होता कैश बेसिस मैं आऊंगा उस पे चिंता मत करो ठीक है अलग अलग अजम्पशन है बेटा 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होगा ओनर और बिजनेस अलग अलग है इसलिए देखो यहाँ पे कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन पीएल में नहीं आया क्या डोमेस्टिक सर्वेंट का सैलरी मैंने प्रॉफिट से माइनस किया क्या घर का बिजली बिल मैंने प्रॉफिट से माइनस किया कुछ नहीं किया सर आपने कुछ भी नहीं किया बहुत अच्छे हैं सर सेपरेट एंटिटी सर वो जो बोली उसको तुम लोग एज अक्रूड दिखा ना अक्रूड इनकम बोलते हाँ हाँ वो मैं आऊंगा अभी उस पे वेलकम टू दैट ठीक है So matching principle क्या बोलता है matching principle is followed at the time of preparing PL. Dual aspect is basically at the time of recording transaction. ये transaction recording समझा रहा है कि resource बढ़ रहा है source भी बढ़ रहा है resource गिर रहा है तो source भी गिर रहा है कई बार एक resource बढ़ रहा है तो दूसरा resource गिर रहा है well, under any circumstances the equation will be true. This equation will hold valid. This is recording. तो रिकॉर्डिंग के वक्त ही अपन प्रॉफिट निकाल रहे हैं रिकॉर्डिंग के वक्त ही अपन प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में ये तभी पॉसिबल है जब आपके ट्रांजैक्शंस इक्के दुक्के हैं तो इन दैट केस सर हमारा ट्रांजैक्शन तो बहुत सारा है चिंता नहीं है काफी सारा आपको ट्रांजैक्शन दे देगा और आपको पीएल बनाने बोलेगा अलग से तो व्हेन यू प्रिपेयर पीएल सो यू नीड टू फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल They will give you all the list of expenses. उसमें से आपको खर्चा को मैच करके दिखाना है So dual aspect is for the purpose of recording. There is an increase in resource, increase in source. Decrease in resource, decrease in source. Increase in one source, decrease in another resource. Right? इस तरीके से चलिए अभी मैं आपको prudence समझाऊंगा सर आपने वो क्या बोला था कि ड्यूअल एस्पेक्ट इज
मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट इज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड मैचिंग इज फॉलोड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग पीएल. ओके ओके ठीक है ना. आइए स्टूडेंट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है. एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटीसिपेट फ्यूचर गेन्स. सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड एज एट ईयर एंड इज रुपीज 40 या सपोज 55. ठीक है नाउ रेवेन्यू कितना है हमारा 40,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स दैट इज परचेज कॉस्ट माइनस इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कितना 200 है. अभी मैं इन्वेंट्री को 20 पे दिखाऊंगा कि 55 पे दिखाऊंगा. ट्वेंटी क्योंकि जैसे मैं इन्वेंट्री को 55 पे दिखाऊंगा 35 का प्रॉफिट आ जाएगा बुक्स में. इफ आई एम शोइंग एन एसेट फॉर 55 राइट अगर मैं किसी एसेट को 55 में दिखाता हूं तो ऑटोमेटिकली मैंने इसको खरीदा था 20 पे बट मैं उसकी वैल्यू बढ़ा के दिखा रहा हूं. सो डोंट यू थिंक कि हमारे बुक्स में प्रॉफिट आ जाएगा. और कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, ये प्रॉफिट को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए. प्रूडेंस इज कंजर्वेटिज्म राइट. सो प्रूडेंस बोलता है नहीं वी कैन नॉट शो फ्यूचर प्रॉफिट. सो एज अ रिजल्ट वी विल शो इन्वेंट्री एट 20 सो इट विल बी 16,000 ओनली. बाकी रेंट इज फाइन माइनस 12 डेप्रिसिएशन इज माइनस 2 सो वी हैव प्रॉफिट 10,000. राइट चलो नेक्स्ट. सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड As at year end is rupees 15. इसका मतलब I can easily see ये जो 200 को मैं जो बच गया इसको मैं फ्यूचर में बेचूंगा. फ्यूचर में ये कितना में बिकेगा. ये जो बच गया है मेरा स्टॉक इन हैंड मैं इसको फ्यूचर में क्या प्राइस पे बेच पाऊंगा. 15 में क्योंकि आज का मार्केट वैल्यू 15 है. जो बच गया उसका मार्केट क्रैश हो गया. इस साल मार्केट अच्छा था तो इस साल अच्छा दाम में बिका आगे भी अच्छा दाम में बिकेगा लेकिन अब मार्केट क्रैश हो गया तो जो बच गया वो नुकसान में बिकेगा. तो 5 रुपया करके नुकसान होगा ना क्योंकि 20 में खरीदा हुआ है. 5 रुपया करके लॉस होगा है ना. हाँ सर. तो कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है ये लॉस को दिखाने का है कि नहीं दिखाने का है. दिखाने का है इसीलिए इसको 15 पे वैल्यू करेंगे अपन. तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल 17,000 आएगा
यहां पे देखना, आठ सौ पीस का 20 करके प्लस जीरो प्रॉफिट ऑन स्टॉक इन हैंड, राइट right. यहां पे क्या हो रहा है, 800 पीस का 20 रुपया करके तो खर्चा दिखा ही रहा हूं, प्लस 200 जो बच गया उसका 5 करके लॉस दिखा रहा हूं, देखो 17,000 आ जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक को 15 पे वैल्यू करने से ऑटोमेटिकली खरीदा हुआ 20 पे था, 15 आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अपने आप इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक वाला लॉस घुस जाएगा. कैलकुलेशन प्रोसेस इस तरीके से, बाय डिफॉल्ट वो लॉस आ गया. सर कंजर्वेटिज्म बोलता है मार्केट वैल्यू 55, कॉस्ट 20. डोंट शो प्रॉफिट, तो वी शो स्टॉक एट 20. ओके, यहां पे बोला मार्केट वैल्यू 15, कॉस्ट 20, शो लॉस 5 रुपये का लॉस, एंटीसिपेट लॉस. ये प्रॉफिट भी अगले साल होगा जब बेचेंगे, ये लॉस भी अगले साल होगा जब बेचेंगे, बट अनुमान लॉस का लगाना है, प्रॉफिट का नहीं लगाना है. तो यहां पे है 1000 × 20, 20,000 परचेज वैल्यू माइनस स्टॉक इज वैल्यूड एट 15, तो 17,000 आया. 17,000 में 800 पीस का 20,000 करके तो मैचिंग प्रिंसिपल प्लस प्रूडेंस, प्लस प्रूडेंस 200 पीस का 5 रुपया करके लॉस, राइट right? तो इसीलिए यस सर, इसीलिए वी आर मेकिंग वन प्रिंसिपल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर. बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, राइट right? मैम आपको सिखाई होगी कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर. ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रूडेंस पे ही बेस है. दिस प्रिंसिपल इज एंटायरली राइट right. तो देखो 55 और 20 में लोअर क्या आ रहा है, 20. तो जैसे मैं 20 में दिखाऊंगा मतलब फ्यूचर प्रॉफिट नहीं आया बुक्स में, और 15 और 20 में लोअर क्या, 15. तो जैसे मैं 15 में दिखाऊंगा मेरा फ्यूचर लॉस आ गया. तो ये जो प्रिंसिपल बनाया गया है, दिस प्रिंसिपल इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रूडेंस. प्रूडेंस का दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. ठीक है, सो सर पीएल बनाते वक्त अपन मैथिंग फॉलो करेंगे, पीएल बनाते वक्त अपने प्रूडेंस फॉलो करेंगे, फ्यूचर का जो भी लॉस है उसको दिखाएंगे, फ्यूचर का लॉस दिखाएंगे. करेंट ईयर में मैंने जो भी बेचा है सब 50 में बिका है, 20 का माल 50 में, मतलब करेंट ईयर में सारा माल प्रॉफिट में बिका है.
करेंट ईयर में सारा माल लॉस पे भी बिक सकता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन को फ्यूचर के बारे में बात करें, मतलब स्टॉक इन हैंड के बारे में बात हो रहा है। तो स्टॉक इन हैंड 200 है, इसकी वैल्यू 55 है, इसकी वैल्यू 55 है, इसकी वैल्यू 55 है लेकिन कॉस्ट 20 है तो 20 लेंगे लोअर, इसकी वैल्यू 15 है कॉस्ट 20 तो लेंगे 15। तो यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट नहीं आया, यहाँ पे फ्यूचर लॉस आ गया, इसीलिए अपन उतना माथा नहीं लगाते हैं। एक रूल बना दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। एंड अगर आपको कोई पूछेगा दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, सिंपली से प्रूडेंस, राइट। आप आराम से बोल सकते हैं, गर्व से बोल सकते हैं कि मेरे को पूरा इसका रीजन मालूम है, पूरा लॉजिक मालूम है, दिस एंटायर प्रिंसिपल, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दोस्त, दिस इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल। जैसे अगर कोई बोलता है डेप्रिसिएशन को आप थोड़ा थोड़ा पीएल में दिखाते, क्यों दिखाते, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है सारा खर्चा को रेवेन्यू के साथ मैच करके दिखाना है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिससे हमारा 5 साल भूख मिटेगा, 5 साल हमको कमा के देगा, इसलिए इसका खर्चा को 5 साल तोड़ तोड़ के दिखाने का है। सो रिकॉर्डिंग करते वक्त ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि जो भी मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल है उसी को रिकॉर्ड करना है। पीएल बनाते वक्त मैचिंग प्रिंसिपल, पीएल बनाते वक्त प्रूडेंस फॉलो करना है, पीएल बनाते वक्त प्रूडेंस को फॉलो करना है। और हमने एक प्रिंसिपल बना लिया प्रूडेंस का, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल्स। प्रूडेंस मतलब बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट को फ्यूचर लॉस को फ्यूचर लॉस को एंटिसिपेट करना है। जैसे हो गया हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वाओ माल बेचा था पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है और बाजार में न्यूज है कि उसका दिवालिया निकल गया है, राइट। ही इज गणपति बप्पा हैज टेकन अ टर्न, राइट। ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है बाय विच एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज कॉल्ड इन द मार्केट। एनीवे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्यूचर में। आज हमारा जो डेटर है इसे पैसा कब मिलेगा, एनीवन हमारा जो डेटर है उसे पैसा कब मिलेगा बोलो। आज के दिन पे डेटर है मतलब पैसा कब मिलेगा, हेलो। यस सर, एक बार फिर से रिपीट करिएगा ना। आज के दिन पे हमारे बुक्स में जो डेटर है, जो भी डेटर हमारे बुक्स में उसका पैसा कब मिलेगा, वॉट एवर डेटर वी हैव इन अवर बुक्स, जब तक हम लोग क्रेडिट उसको दिए क्रेडिट सेल्स तब तक के लिए। आज के टुडे इज ईयर एंड, टुडे इज ईयर एंड, राइट। आपने आज उसको माल बेचा है, टुडे इज ईयर एंड, टुडे इज ईयर एंड, आपने अब इसका पैसा आपको कब मिलेगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। शर्मा जी आपको मालूम है क्या, वर्मा का पोजीशन ढीला है, वर्मा का पोजीशन ढीला है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा पटवारी, 2 लाख का माल बेच दिया मैंने उसको, 2 लाख का गया, तेरा पैसा तो गया, तेरा पैसा नहीं मिलेगा। मैं इन्वेस्टर को क्या जवाब दूंगा बोल, मैं इन्वेस्टर को क्या जवाब, इतना भरोसा करके तो तूने ड्यू डिलीजेंस क्यों नहीं किया, तूने उसका क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं चेक किया। अरे मैं क्या बोलूं यार, मैं उतना इतना रिक्वेस्ट किया, मेरे को बोला कि ये करूंगा वो करूंगा पैसा दे दूंगा, इस तरीके से बोलता रहा, तो मेरा मन किया दे दो, अब मैं करूं क्या। बोला एक काम कर, प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर, 2 लाख का माल बेचा है, बाजार में न्यूज है कि 50% दिवालिया हो गया है वो, तो मोटा मोटी तेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएगा, 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, तो एक काम कर, बाद में हार्ट अटैक देने से अच्छा इस साल तेरा प्रॉफिट अच्छा है, तो एक काम कर प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो कर और 1 लाख रुपए का लॉस दिखा दे, मालूम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। इतनी सारी कंपनी जो लोन ले लेती है, बैंक उसको अपना बुक्स में एसेट बोल के दिखाता है, वो लोग क्या करता है, इसकी टोपी उसके सर, अल्टीमेटली एक दिन वो बस्ट हुआ ही बबल, राइट। सो कभी भी फ्यूचर में लॉस दिखाई दे रहा है उसको बुक करो, ठीक है, बुक कर दिया। और एग्जाम्पल दो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, वाओ
ये बेटा पैसा है, एक लमसम पैसा है जो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर देता है जब वो रिटायर होता है। आज तुमने मेरे यहाँ पे 20 साल से काम किया, ये लो पटवारी जी 5 लाख रुपए इनाम आपका ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के लिए। तो कंपनी अचानक से 5 लाख रुपए कैसे लाएगी? इसलिए फ्यूचर में होने वाला खर्चा, फ्यूचर में होने वाला खर्चा का अभी से थोड़ा 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 करके प्लानिंग चलता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। तुम पे कोई केस कर दिया है, तुम पे कोई केस कर दिया है, तुम ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तुम पे कोई केस कर दिया, तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके उसके गाल पे पिंपल्स आ गए हैं, राइट? तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके उसका 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 चेहरा बिगड़ गया, उसका चेहरा बिगड़ गया, वो तुम पे केस कर दिया है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ केमिकल कंटेंट है। कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट में सुनवाई हुई, तुम केस हारने वाले हो, तुम केस हारने वाले हो, तो यू नीड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस। चलो ठीक है, आइए अनदर प्रिंसिपल, अप्रूवल कॉन्सेप्ट। अप्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है, ये भी पीएल बनाते वक्त फॉलो होता है, इन केस ऑफ एक्सपेंसेस इट डज नॉट मैटर वेदर पेड और पेबल। शो एक्सपेंसेस इफ बेनिफिट डिराइव्ड। जैसे मैंने रेंट के केस में क्या किया, खर्चा पूरा 12 महीने का दिखाया, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ही नहीं है, पैसा दिया हो नहीं दिया हो उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इनकम के केस में मैंने तुमको लोन दिया, मालूम है, मैंने तुमको लोन दिया है, मैंने तुमको लोन दिया है, ठीक है, और उस लोन पे इंटरेस्ट अगले दिन से शुरू हो जाएगा। 5 महीना हो गया है और साल एंड हो गया, राइट? सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज काउंटिंग पीरियड इज जैन से लेके दिसंबर 2023, लोन गिवन ऑन 1st August, राइट? एज टाइम पीरियड एज लैप्स्ड, सो इंटरेस्ट इनकम फॉर ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर it does not matter whether received or not। time period चला गया ना, time period pass हो चुका है, आप income दिखा दो, इसी को accrual basis बोलते हैं। जैसे अभी मैं एक student ने पूछा कि सर मान लीजिए पैसा नहीं मिला, income दिखा देंगे, goods sold on credit and there is no uncertainty regarding its collection, show income। Goods sold on credit and there is no uncertainty regarding its collection, income दिखा दो। Right? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको,
इनकम अर्नड इज 50,000, 30,000 इज येट टू बी रिसीव्ड, प्रॉफिट बोलो तो देखो इनकम अर्न 50 है, सर 30,000 नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस कितना होगा 20,000, 15,000 दे दिया, 5,000 नहीं दिया तो क्या वो आउटस्टैंडिंग, मतलब क्या बेनिफिट डिराइव्ड, मैंने अभी बताया ना, ग्यारह महीने का भाड़ा दे दिया था, एक महीना का नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया, लेकिन बेनिफिट डिराइव तो हो चुका है ना, तो खर्चा पूरा 12 महीने का आएगा, राइट, अक्रूवल बेसिस, हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, तो अक्रूवल बेसिस बोलता है डजेंट मैटर वेदर पेड और नॉट, एक्सपेंस दिखा देंगे, 15,000 पे हो गया, ये तो खर्चा होगा ही, बाकी 5,000 जो पे नहीं हुआ बट बेनिफिट डिराइव, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है बेनिफिट डिराइव, बट नॉट येट पेड, ठीक है ना, तो टोटल खर्चा 20 और इनकम मेरा 50, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 30, इज इट फाइन, चलिए। सो मोटा मोटी मैंने सारा प्रिंसिपल डिस्कस कर दिया है राइट अच्छा यही मान लो अगर डॉक्टर होता, प्रोफेशनल होता कोई, प्रोफेशनल हमेशा कैश बेसिस फॉलो करता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, इनको तो इतना अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, बिजनेसमैन हमेशा एक्रुअल बेसिस फॉलो करेगा, ठीक है, कैश बेसिस में प्रॉफिट कैसे आएगा, कितना रिसीव हुआ
पे कितना हुआ 15, प्रॉफिट 5000। पचास में से 30 नहीं मिला, जितना मिला वो इनकम, जितना पे किया वो खर्चा, नो आउटस्टैंडिंग नथिंग। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो इन सिर्फ सब चीजों को आप लोग प्रैक्टिस करिए और चैप्टर 9 का रीडिंग करिएगा बुक से। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी जिस सीबी 2 का क्लास है वो लोग चले जाइए।